हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रधानाध्यापक के गुण। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो जो प्रधानाध्यापक का पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जिम्मेदारी का काम होता है। उनके कुछ क्वालिटीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। प्रधानाध्यापक का जो पद होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानाध्यापक अपने कुशल नेतृत्व, व्यक्तित्व, अनुभव, योग्यता के द्वारा विद्यालय को उच्चतम शिखर पर पहुँचा सकता है। प्रधानाध्यापक के पद पर किसी सामान्य गुण के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता। वह केवल वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी प्रतिमा बहुमुखी हो। बहुमुखी से यहाँ का मतलब है जिस व्यक्ति में चरित्र के साथ साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सहनशीलता, दूरदर्शिता का समावेश हो, वही व्यक्ति सफल प्रधानाध्यापक हो सकता है। प्रधानाध्यापक को अपने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने के लिए कुछ गुणों का होना आवश्यक है। व्यक्तिगत गुण, प्रशासकीय गुण, व्यावसायिक गुण। बात करें व्यक्तिगत गुण की, तो प्रधानाध्यापक में उत्तम चरित्र होना जरूरी है, तभी छात्र शिक्षक अच्छे चरित्र का विकास करने के लिए प्रेरित होंगे। और चरित्रवान व्यक्ति अनेक समस्याओं का निवारण बिना किसी कठिनाई के कर लेते हैं और संपूर्ण वातावरण को शिक्षा के अनुकूल बनाए रखते हैं। तो प्रधानाध्यापक में उत्तम चरित्र होना जरूरी है। नेक्स्ट है उत्तम स्वास्थ्य। उनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, जिससे वह अपने विद्यालय संबंधी समस्त क्रियाओं को रुचि एवं स्फूर्ति के साथ कर सके, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक होने पर ही व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में समर्थ होता है। तो उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि उन्हें बहुत सुंदर होना चाहिए, उनकी वेशभूषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व का मतलब है उनमें दया, प्रेम, सहनशीलता, कुशलता आदि गुणों का होना जरूरी है, जिससे वह छात्र, शिक्षक, अभिभावकों के बीच सम्मान प्राप्त कर सके। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होना जरूरी है। नेक्स्ट है नेतृत्व की क्षमता। किसी भी संगठन के संचालन के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। विद्यालय का सफल संचालन तभी बन सकता है जब समाज, शैक्षिक योग्यता वाले अध्यापकों, अभिभावकों और प्रबंधकों का उचित मार्गदर्शन दे सके। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। यह इम्पॉर्टेंट है। प्रधानाध्यापक को अपने पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यदि आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति की कमी है उनके अंदर, तो वह कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। और किसी भी कार्य का सफल संपादन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति एवं दृढ़ आत्मविश्वास होना जरूरी है। और कहते भी हैं कि आत्मविश्वास ही सफलता की सीढ़ी है, तो प्रधानाध्यापक में आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। उसे अपने अध्यापकों तथा छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अध्यापक या छात्र से कोई भूल या गलती हो जाती है तो उन्हें समझाना चाहिए और भूल सुधार के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए उनके अंदर। नेक्स्ट है प्रशासकीय गुण। तो उन्हें कुशल प्रशासक होना चाहिए। प्रशासक का प्रमुख कार्य होता है कार्य संचालन से विभिन्न प्रकार की योजना बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना, संगठित करना की विशेष योग्यता होनी चाहिए। उनमें मूल्यांकन करने की क्षमता, नियोजन करने की शक्ति तथा सही गलत पहचानने की क्षमता आदि प्रशासकीय गुणों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है नियोजनकर्ता। प्रधानाध्यापक को अपना कार्य सुसंगठित ढंग से तथा योजनाबद्ध तरीके से करना होता है। इसके लिए उनमें योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है समायोजन शक्ति। उनमें छात्र, अध्यापक, अभिभावक व अनेक प्रकार के व्यक्तियों में समायोजन स्थापित करना चाहिए। प्रधानाध्यापक में सभी से समायोजन स्थापित कर सकने का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक गुण। तो इसमें है कुशल प्रवक्ता। प्रधानाध्यापक को एक गुड स्पीकर भी होना चाहिए। यदि इसमें विचार प्रकट करने एवं भाषण की कुशलता विद्यमान है, तो वह छात्र, शिक्षक, अभिभावक एवं अन्य नागरिकों को प्रभावित कर सकता है, जिससे सभी को विद्यालय के आदर्श, उद्देश्य, उपयोगिता एवं महत्ता का ज्ञान होगा। तो कुशल प्रवक्ता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान। उनका सामान्य ज्ञान भी उच्च स्तर का होना चाहिए। उन्हें विश्व की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि घटनाओं का व्यापक ज्ञान होना चाहिए। जो भी हमारे देश विदेश में चल रहा है उन्हें उसका ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह ये नॉलेज बच्चों तक ट्रांसफ़र कर सके। तो कह सकते हैं उन्हें सामान्य ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्यवसायिक ज्ञान। प्रधानाध्यापक को अपने व्यवसाय से संबंधित जानकारी, नियम कानून का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह शिक्षा विभाग के नियमों, अनुदेशों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह उनका अनुपालन कर सकें और त्रुटियों से बच सकें। तो उन्हें व्यावसायिक ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का ज्ञान।
जिसमें वह विद्यार्थियों की समस्याओं एवं व्यवहारों को अच्छे प्रकार से समझ सके, जिससे वह उनकी समस्या और आवश्यकता और विशेषता का समुचित निदान एवं उपयोग कर सके। तो उन्हें मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षा विधियों का ज्ञान होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को विभिन्न शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो, पर उनसे यह उम्मीद की जाती है कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी वो रखते हों, जिससे वह विद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम एवं निरीक्षण भलीभांति कर सके। विभिन्न विषयों को पढ़ाने की विधियों का उन्हें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह अध्यापकों के शिक्षण कार्य का निरीक्षण कर उन्हें उचित सुझाव दे सकें। तो ये पॉइंट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, जैसा भी एग्ज़ाम में आए आप उसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।